हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होलसम टेल्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट होम। आज हम बात करेंगे 5 मिलेट ग्रीन्स के बारे में, विच आर सो वंडरफुल एंड दे हैव अ हीलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। मैंने इन मिलेट्स के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है, आई विल रिकमेंड कि वो वीडियो आप जरूर देखें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आज मैं आपको अपनी किचन में मिलेट पेंट्री दिखाऊंगी कि मेरे पास अभी जो जो मिलेट्स अवेलेबल हैं और मैं उनको कैसे यूज करती हूँ और कैसे वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है। ये सारी मिलेट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्लेंस करने की कैपेसिटी रखती है, सो दैट मीन्स वी शुड नॉट रिलाई ऑन वन और टू ऑफ द ग्रेन्स। हमें सब तरह की मिलेट्स जो हैं वो रोटेशन में खानी चाहिए ताकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स क्लेंस होते रहें। स्पेशली ये 5 मिलेट्स जो मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ, फॉक्सटेल, लिटल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। अब हम देखेंगे कि ये पांचों मिलेट्स में क्या खास बात है। खास बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये 5 मिलेट, फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, ब्राउन टॉप एंड बर्नयार्ड, इन पांचों को सिरिधान्या मिलेट्स भी बोलते हैं। नाउ इनमें क्या खास बात है इन पांचों में कि इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये पांचों ही दे आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इनमें टॉप लेयर में लिग्नन्स होते हैं जो कि स्पेशली कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, और इनमें इनफ फाइबर है, सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल। और इनमें जो खास बात है कि इनमें जो फाइबर होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ सेंटर से लेके आउटर लेयर तक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होता है, विच इज़ नॉट द केस विद व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस में जो थोड़ा बहुत फाइबर होता भी है वो सिर्फ टॉप लेयर में होता है और वो भी प्रोसेसिंग के बाद निकल जाता है, जो थोड़ा बहुत फाइबर होता है। सो जो हमारे पास पीसने के बाद आटा और आटा पहुंचता है वो उसमें निग्लिजिबल फाइबर होता है। और इनमें इन 5 मिनट्स में क्या खास बात है कि इनमें इनफ प्रोटीन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर नेचुरली ग्लूटन फ्री और इनको बहुत कम पानी चाहिए कल्टीवेशन के लिए, और इनको कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए। और क्या चाहिए हमें एक ग्रेन में? ईच ग्रेन क्लेंस डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, सो ये जो पांचों मिलेट्स हैं दे कवर एंटायर बॉडी। तो ये एक बैलेंस डाइट है, अगर आप पांचों ग्रेन्स को रोटेशन में लेते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये पांचों ग्रेन पूरी करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो चलो मैं आपको वो पांचों मिलेट्स जो हैं वो डिटेल में क्लोजअप दिखाती हूँ और मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ और क्या अलग अलग मिलेट का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर वो बताती हूँ। ये हमारी फॉक्सटेल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट ये मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ येलोइश इन कलर, और ख़ास बात यह है कि ये जितनी भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। और फॉक्सटेल मिलेट बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, और जो मेरी फेवरेट डिश है इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका डोसा जो है बहुत क्रिस्पी बनता है और वेज पुलाव में ये बहुत अच्छी जाती है। ये हमारी लिटिल मिलेट, लिटल मिलेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है लाइट ग्रे कलर की, लिटल मिलेट, ये नाम लिटल है बट ये बहुत पावरफुल है और वंडरफुल है। इट क्लेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ये मिलेट उसमें बहुत हेल्पफुल है। और जो मेरी फेवरेट डिश है इसको यूज़ करके मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है लिटल मिलेट की। जो भी ये विंटर्स में सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं उसके साथ इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी कोडो मिलेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसमें कोडो मिलेट में ख़ास बात क्या है कि ये बहुत अच्छी ब्लड प्यूरिफायर है। इट रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, ऑल्सो इट क्लेंस द बोन मैरो। और जो मेरी सबसे फेवरेट डिश है कोडो मिलेट को यूज़ करके वो है इडली। इडली बहुत टेस्टी बनती है कोडो मिलेट की, और कोडो मिलेट को स्पेशली आप मार्केट में जब खरीदें तो बहुत ध्यान से, बिकॉज ये वाइट कलर की दिखेगी आपको मार्केट में, विच इज़ हाईली पॉलिश, तो हमेशा अनपॉलिश्ड ही लें। ये हमारी बर्नयार्ड मिलेट जो है और लिटल मिलेट, ये दोनों बहुत मिलती जुलती हैं।
लेकिन जब आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको पहचान होनी शुरू हो जाएगी बार्नयार्ड मिलेट और लिटिल मिलेट से। देखो जो बार्नयार्ड मिलेट है और इसकी जो लेकिन जो टेस्ट है लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड का बहुत अलग है। और ख़ास बात क्या है कि ये लीवर और ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। बार्नयार्ड मिलेट बहुत कॉमन है, ये नवरात्र फास्टिंग में बहुत यूज़ होती है, लेकिन नवरात्र फास्ट के दिनों में जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो बहुत ही पॉलिश्ड होती है, वाइट कलर की दिखेगी आपको। सो वन शुड ऑलवेज बाय अनपॉलिश्ड मिलेट। इसकी जो फेवरेट डिश मेरी है वो बार्नयार्ड मिलेट से, मुझे खीर बनानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी बनती है इसकी खीर। ये हमारी ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इस मिलेट के बारे में, बट इट इज़ वेरी पावरफुल, इट हैज़ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। ये जो हमारा जितना भी इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसको क्लेंस करती है। सो जितनी भी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन पाइल्स इससे रिलेटेड है वो इसमें हील करती है। तो ये बहुत पावरफुल मिलेट है, पाँचों मिलेट्स में से ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। और इसकी जो मेरी फेवरेट डिश है, इसको यूज़ करके इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, और इसको आप कटलेट्स में यूज़ करेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये हमारी पांचों मिलेट्स एक साथ, फॉक्सटेल मिलेट जिसको बोलते हैं कंगनी हिंदी में, ये है लिटिल मिलेट, कुटकी बोलते हैं हिंदी में, ये है कोडो मिलेट कोदरा, और ये है बार्नयार्ड मिलेट, झंगोरा भी बोलते हैं, सांवा भी बोलते हैं, और ये है ब्राउन टॉप मिलेट, इसको बोलते हैं हरी कंगनी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अपने पुराने वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप मिलेट्स के बारे में उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।